इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करते हुए इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग और वोकेबलरी अच्छी हो और आपको इंग्लिश समझ में आने लगे। ये वीडियो पूरी देखिएगा, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द टेल ऑफ द डॉग, कुत्ते की पूंछ। टेल का मतलब होता है पूंछ, ऑफ की डॉग यानी जैसा हम जानते हैं कुत्ता। एक होता है टेल, टी ए एल ई, ये टेल भी होता है। इस टेल का मतलब होता है कहानी, ठीक है, और ये टी ए आई एल है, इस टेल का मतलब है पूंछ। वन डे, एक दिन, अ डिस्कशन, एक बहस, वॉज गोइंग ऑन, चल रही थी, इन द कोर्ट, दरबार में, ऑफ किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव के। एक दिन राजा कृष्णदेव के दरबार में एक बहस चल रही थी। गो ऑन का मतलब होता है चलना या फिर जारी रहना, गोइंग ऑन है तो चल रही, वॉज थी, डिस्कशन बहस, कोर्ट दरबार, ऑफ किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव। द टॉपिक, जो टॉपिक था यानी जो जिस पर बहस हो रही थी, वॉज वो था कि वेदर द नेचर ऑफ अ पर्सन कैन बी चेंज और नॉट, किसी आदमी का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। वेदर और ये दोनों साथ में है, इसका मतलब होगा या। नेचर स्वभाव, स्वभाव, पर्सन आदमी, कैन बी चेंज बदला जा सकता है और नॉट नहीं। सम वर सेइंग दैट, कुछ कह रहे थे कि इट इज पॉसिबल, ये संभव है, टू चेंज द नेचर स्वभाव को बदलना, ऑफ अ पर्सन किसी आदमी के, कुछ कह रहे थे कि किसी भी आदमी के स्वभाव को बदलना संभव है, पॉसिबल का मतलब है संभव। अकॉर्डिंग टू अदर्स, दूसरों के अनुसार, द नेचर ऑफ अ पर्सन किसी आदमी का स्वभाव कैन नॉट बी चेंज्ड, बदला नहीं जा सकता, जस्ट एज द टेल ऑफ अ डॉग, वैसे ही जैसे कुत्ते की पूंछ, कांट बी स्ट्रेटेंड, सीधी नहीं की जा सकती। दूसरों के अनुसार किसी आदमी का स्वभाव नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं की जा सकती। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा और कांट बी स्ट्रेटेंड है तो इसे सीधा नहीं किया जा सकता। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, ऑफ किडिंग, मजाक करने की, यानी राजा ने मजाक करने की सोची। किड का मतलब होता है मजाक करना, मजाक करना, ऐसे तो किड का मतलब बच्चा भी होता है जिसे हम चाइल्ड कहते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, सो इस तरह, द पॉइंट इज दैट, मामला ये है कि, या फिर बिंदु ये है कि, इफ द टेल ऑफ अ डॉग, अगर किसी कुत्ते की पूंछ, कैन बी स्ट्रेटेंड, सीधी की जा सकती है, द नेचर ऑफ अ पर्सन, तो किसी आदमी का स्वभाव, कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, बदला जा सकता है। बात यह है कि अगर किसी कुत्ते की पूंछ सीधी की जा सकती है तो किसी आदमी का स्वभाव भी बदला जा सकता है, अदरवाइज नॉट, नहीं तो नहीं, अदरवाइज का मतलब है नहीं तो, नहीं तो। द कोर्टियर्स, दरबारी, हु थॉट दैट, जो सोचते थे कि, द नेचर ऑफ अ पर्सन, आदमी का स्वभाव, कैन बी चेंज्ड, बदला जा सकता है, सेड, उन्होंने कहा, वो दरबारी जो ये सोचते थे कि आदमी के स्वभाव को बदला जा सकता है, उन्होंने कहा, क्या कहा, वी थिंक दैट,
हम सोचते हैं कि या फिर हमारा मानना है कि द टेल ऑफ अ डॉग किसी कुत्ते की पूंछ कैन ऑल्सो बी स्ट्रेटेंड। देखिए इसे लिखेंगे स्ट्रेटेंड। स्ट्रेटेंड का मतलब होता है सीधा होना, तो किसी कुत्ते की भी पूंछ सीधी की जा सकती है। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, टू किड मोर, और मजाक करने की, राजा ने और मजाक करने की सोची। ही सेड टू द कोर्टियर्स, उन्होंने दरबारियों से कहा, ओके ठीक है, गिव इट अ ट्राई, चलो इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ट्राई का मतलब है प्रयोग करना, प्रयोग करना, चलो इसका प्रयोग करते हैं। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, हिज अटेंडेंट्स, अपने सेवकों को, टू गिव, देने के लिए, वन पपी ईच, एक एक पपी यानी एक एक कुत्ते का बच्चा, टू टेन सिलेक्टेड कोर्टियर्स, 10 चुने हुए दरबारियों को। सिलेक्टेड का मतलब है यहाँ पर चुने हुए, चुने हुए। पपी का मतलब होता है बेबी डॉग, कोर्टियर्स दरबारी, अटेंडेंट्स सेवक या फिर नौकर। ही ऑल्सो आस्क्ड द ट्रेजर टू गिव, उन्होंने खजांची से भी देने के लिए कहा। आस्क टू का मतलब होता है कहना, आस्क्ड टू है तो कहा, ट्रेजर खजांची, खजांची से कहा, क्या कहा, टू गिव देने के लिए, 10 गोल्ड कॉइन्स, 10 सोने के सिक्के, टू ईच ऑफ दोज कोर्टियर्स, उन सभी दरबारियों को, पर मंथ हर एक महीने, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने की अवधि तक, उन्होंने खजांची से हर महीने 10 सोने के सिक्के 6 महीने तक दरबारियों को देने के लिए कहा। ऑल द 10 कोर्टियर्स, वो सभी 10 दरबारी, वर डायरेक्टेड, निर्देशित किए गए, टू ट्राई, कोशिश करने की, टू स्ट्रेंथन, सीधा करने की, द टेल ऑफ देयर पपीज, पपीज की पूंछ को सीधा करने की। सभी दरबारियों को ये डायरेक्ट किया गया, ये आदेश दिया गया कि वो अपने पपीज की पूंछ को सीधा करें। एमंग दोज 10 मेन, उन 10 आदमियों में से, वन वॉज तेनाली रमन, एक तेनाली रमन थे। द रिमेनिंग 9 पीपल, वो बचे हुए 9 लोग, ट्राइड अ लॉट, बहुत कोशिश की, टू स्ट्रेंथन, सीधा करने की, द टेल्स ऑफ देयर पपीज, अपने पपीज के पूंछ को सीधा करने की, बट फेल्ड, लेकिन वो असफल हुए। फेल का मतलब होता है असफल होना, असफल होना, बट फेल्ड है तो असफल हुए। वन केप्ट द टेल ऑफ हिज पपी, एक ने अपने पपी के पूंछ को रखा, टाइड, बंधा हुआ, विथ अ लोड, किसी भारी चीज से, यहां पर लोड का मतलब है कोई भारी चीज, टाइड बांधे रखा, बांधे रखा, सो दैट, ताकि इट कुड गेट स्ट्रेंथेंड, ताकि ये सीधी हो सके। अनादर वन केप्ट, दूसरे ने रखा, द टेल ऑफ हिज पपी, अपने पपी की पूंछ, इन अ स्ट्रेट पाइप, एक सीधी पाइप में। द थर्ड वन, तीसरे वाले ने, मसाज्ड, मालिश की, हिज पपीज टेल, अपने पपी की पूंछ की, टू गेट इट स्ट्रेटेंड, इसे सीधा करने के लिए। मसाज का मतलब होता है मालिश करना, मालिश करना। द फोर्थ वन, चौथा वाला, गेव मेडिसिन, दवा दी, चौथे वाले ने दवा दी, टू हिज पपी, अपने पपी को, मेडिसिन का मतलब होता है दवा, गेव दिया या फिर दी। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि,
द टेल वुड गेट स्ट्रेटेंड की पूंछ सीधी हो जाएगी बाय द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन दवा के प्रभाव से. इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, मेडिसिन दवा. द फिफ्थ वन चौथे वाले ने गेव हिज पपी अपने पपी को दिया टू अ ब्राह्मिन एक ब्राह्मण को एवरी डे रोज. द ब्राह्मिन परफॉर्म्ड वो ब्राह्मण किया करता था पूजा, पूजा किया करता था टू स्ट्रेंथन द टेल पूंछ को सीधा करने के लिए. एवरी डे का मतलब है रोज यानी प्रतिदिन. परफॉर्म्ड करता था, करता था. द सिक्स्थ वन छठे वाले ने गेव हिज पपी अपने पपी को दिया टू अ तांत्रिक किसी तांत्रिक को. द सेवेंथ मैन चौथे आदमी ने टूक हिज पपी अपने पपी को ले गया, टू का मतलब यहाँ पर ले गया, टू अ सर्जन किसी सर्जन के पास यानी ऑपरेशन करने वाले के पास. हु डिड सर्जरी जिसने सर्जरी की ऑफ इट्स टेल इसके पूंछ की. सातवें वाले ने अपने पपी को एक सर्जन के पास ले गया जिसने इसकी सर्जरी की. द एट्थ मैन आठवां आदमी सैट बैठ जाता था इन फ्रंट ऑफ द टेल पूंछ के सामने ऑफ हिज पपी अपने पपी के डेली रोज एंड चैंटेड और जाप करता था प्लीज स्ट्रेटन कृपया सीधा कर दीजिए, प्लीज स्ट्रेंथन कृपया सीधा कर दीजिए. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, के सामने. डेली रोज चैंट का मतलब होता है जाप करना, जाप करना यानी रट लगाना. प्लीज का मतलब है कृपया. द नाइन्थ मैन नवें आदमी ने मेड हिज पपी ईट अपने पपी को खिलाया. मेड ईट का मतलब है खिलाया. स्वीट्स मिठाइयाँ डेली रोज. नवा आदमी अपने पपी को रोज मिठाइयाँ खिलाता था. स्वीट्स का मतलब है मिठाई. ही थॉट दैट वह सोचता था कि द पपी कि ये पपी वुड बी प्लीज्ड खुश हो जाएगा बाय दिस इससे एंड वुड स्ट्रेटेंड और सीधी कर देगा इट्स टेल अपनी पूंछ को ऑन इट्स ओन अपने आप ही और वो अपने आप ही अपनी पूंछ सीधी कर देगा खुश होकर. तेनाली रमन गेव तेनाली रमन ने दिया द पपी उस पपी को ओनली दैट मच सिर्फ उतना ही टू ईट खाने के लिए विच इट नीडेड जितनी इसको ज़रूरत थी टू सर्वाइव जिंदा रहने के लिए. तेनाली रमन ने अपने पपी को उतना ही खाना दिया जितना उसे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत थी. सर्वाइव का मतलब होता है ज़िंदा रहना, जिंदा रहना. नीड का मतलब होता है ज़रूरत. बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन कुपोषण की वजह से. बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, की वजह से. मेल न्यूट्रिशन कुपोषण. द डॉग बिकेम बोनी वो कुत्ता हड्डी वाला हो गया यानी उसकी हड्डियाँ दिखने लगी. बोनी का मतलब होता है इतना पतला कि हड्डियाँ दिखने लगे. बिकेम हो गया एंड इट्स टेल टैंगल्ड और उसकी पूंछ लटकने लगी. टैंगल का मतलब होता है लटकना. टैंगल्ड है तो लटकने लगी. इट सीम्ड दैट ऐसा लगता था कि इट हैड स्ट्रेटेंड इसने सीधी की है. उसकी पूंछ ऐसे लटकी थी जैसे मानो उसने सीधी की हो. व्हेन सिक्स मंथ्स पास्ड बाय जब छः महीने गुजर गए द किंग ऑर्डर्ड राजा ने आदेश दिया द टेन कोर्टियर्स दस दरबारियों को टू प्रेजेंट देमसेल्फ खुद को प्रस्तुत करने के लिए इन द कोर्ट दरबार में विथ देयर पपीज अपने पपी के साथ. जब
छः महीने बीत गए तो राजा ने सभी 10 दरबारियों को अपने पपीस के साथ दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। प्रेजेंट का मतलब है यहाँ पर उपस्थित। द 9 कोर्टियर्स, 9 दरबारियों ने प्रेजेंटेड देयर पपीस, अपने पपीस को सामने रखा। यहाँ पर प्रेजेंट का मतलब होगा प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेड है तो प्रस्तुत किया। देयर टेल्स, उनकी पूंछ वर नॉट स्ट्रेटेंड, सीधी नहीं हुई, उनकी पूंछ सीधी नहीं हुई। ऑल द 9 कोर्टियर्स, सभी 9 दरबारी हैड फेल्ड, असफल हो गए थे। इन देयर अटेम्प्ट्स, अपने प्रयासों में, सभी 9 दरबारी अपने प्रयासों में असफल हो गए थे। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास या फिर कोशिश। देन फिर द किंग आस्क्ड तेनाली रमन टू प्रेजेंट, फिर राजा ने तेनाली रमन को प्रस्तुत करने के लिए कहा। हिज पपी, उनका पपी। तेनाली रमन प्रेजेंटेड, तेनाली रमन ने प्रस्तुत किया। हिज हाफ डेड पपी, अपने अधमरे पपी को, हाफ डेड का मतलब है अधमरा, अधमरा जो बहुत कमज़ोर हो और ऐसा लगे कि ये कभी भी मर सकता है, उसे हाफ डेड या फिर अधमरा कहते हैं। इट्स वोल बॉडी, इसका पूरा शरीर, वॉज बैडली रिंकल्ड, बुरी तरह से सिकुड़ा हुआ था। रिंकल का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ होना या फिर झुर्रियों से, लाइनों से भरा हुआ होना। बैडली का मतलब है बुरी तरह से, बुरी तरह से। इट्स टेल, इसकी पूंछ, वॉज हैंगिंग स्ट्रेट, सीधी लटक रही थी। हैंग का भी मतलब होता है लटकना, स्ट्रेट सीधी। तेनाली रमन सेड, तेनाली रमन ने कहा, महाराज महाराज, आई हैव स्ट्रेटेंड, मैंने सीधा कर दिया है द टेल ऑफ दिस पपी, इस कुत्ते के बच्चे की पूंछ या फिर इस पपी की पूंछ। यू क्रूल मैन, तुम निर्दयी आदमी, शाउटेड द किंग, राजा चिल्लाए। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी या फिर जिसे हम बेरहम कहते हैं। शाउटेड, चिल्लाए, राजा चिल्लाए। डिडंट यू फील पिटी, क्या तुम्हें दया नहीं आई, ऑन दिस पुअर एनिमल, इस बेचारे जानवर पर, क्या तुम्हें इस बेचारे जानवर पर दया नहीं आई। पिटी का मतलब होता है दया, फील पिटी है तो दया नहीं आई, पुअर बेचारा। यू हैव ऑलमोस्ट किल्ड इट, तुमने लगभग इसे मार ही दिया है। ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग, किल्ड मार दिया है इट, इसे। इट डज नॉट हैव स्ट्रेंथ, इसमें शक्ति नहीं है या फिर इसमें ताकत नहीं है, इवन टू मूव, हिलाने की भी। इट्स टेल, अपनी पूंछ, इसमें अपनी पूंछ हिलाने की भी शक्ति नहीं है या फिर ताकत नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। महाराज महाराज, इफ यू हैड आस्क मी टू मेक इट ईट, अगर आपने मुझसे इसे खिलाने के लिए कहा होता, एज मच एज इट नीड्स, जितनी इसको ज़रूरत है, आई वुड हैव डन द सेम, मैंने भी वही किया होता। अगर आप मुझसे इसे जितनी इसको ज़रूरत है उतना खाना खिलाने को कहते तो मैं भी वही करता। बट लेकिन यू ओनली आस्क्ड मी टू स्ट्रेटेंड, लेकिन आपने सिर्फ मुझे सीधा करने के लिए कहा। इट्स टेल, इसकी पूंछ, विच वॉज ओनली पॉसिबल, जो सिर्फ संभव था, बाई कीपिंग इट हंग्री, इसे भूखा रखकर, लेकिन आपने इसकी पूंछ सीधा करने के लिए कहा था, जो सिर्फ इसे भूखा रख करके ही संभव है। हंग्री का मतलब है भूखा, कीप रखना। इन द सेम वे, उसी तरह से, द नेचर ऑफ अ पर्सन, किसी आदमी का स्वभाव, डजंट चेंज, नहीं बदलता, सो इजिली, इतनी आसानी से,
उसी तरह किसी आदमी का स्वभाव भी बहुत आसानी से नहीं बदलता। सो का मतलब यहाँ पर होगा वेरी या फिर बहुत। इजीली आसानी से, आसानी से। इट ऑल्सो नीड्स, इसे भी ज़रूरत होती है। ड्रेस्टिक स्टेप्स, बड़े कदमों की। ड्रेस्टिक का मतलब है यहाँ पर बड़ा, स्टेप्स कदम। द किंग प्रेज्ड तेनाली रमन, राजा ने तेनाली रमन की प्रशंसा की। एंड गेव हिम प्रेजेंट्स, और उसे उपहार दिए। राजा ने तेनाली रमन की तारीफ की और उन्हें उपहार दिए। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। प्रेज्ड है तो तारीफ की। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, ये कहानी कैसी लगी और कौन सा वर्ड आपने नया सीखा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।